हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा इस करंट अफेयर की सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। ये इस वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जो है जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज जाके जरूर देखिए। मोर देन 10,000 पीपल हैव वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अगेन करना चाहूंगा आपकी प्यारी बर्थडे विशेष के लिए। ये टीम स्टडी फंडा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और सभी के मैंने मैसेज पढ़े, जितने भी लोगों ने कमेंट आप लोगों ने किया सभी के मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया है। आप भी जो है स्टडी फंडा टीम का हिस्सा बन सकते हैं। एक अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए, टीम स्टडी फंडा का एक्सपेंशन जो होने जा रहा है फॉर सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन, इवन फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो जिनको लगता है कि आप टीम स्टडी फंडा का एक पार्ट बनना चाहते हैं, आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं स्टडी फंडा पे, मैथ, जीएस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, आपने एग्जाम खुद से क्रैक किया है या आप एसएससबी में रिकमेंडेड है, तो इन सब पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस में इंग्लिश एजुकेटर, अगर आपकी बहुत अच्छी जो है इंग्लिश के बारे में आपको नॉलेज है सीडीएस एग्जाम की या फिर एनडीए एग्जाम की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पोस्ट के लिए। देखिए जनरली हम रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है आप जनरली हाई हेलो में टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी मैं आपको चीज बता रहा हूँ, दो प्लेटफॉर्म आपको दिए गए हैं, व्हाट्सएप और ईमेल। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको लगता है आप इन दोनों से, इन जितने भी जो भी हमने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, तो आपको सिंपली एक वीडियो बनाना है। उस वीडियो को जो है व्हाट्सएप या आप ईमेल के जरिए हम तक भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या फिर आपको मैथ की काफी डीप नॉलेज है और आप अच्छे से जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप जो है एक वीडियो बनाइए, उसको सीधा जो है व्हाट्सएप पे जो है आप हमें भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है वीडियो जो है व्हाट्सएप पे भेजी नहीं जाती, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का, उसको यूट्यूब पे अपने ही प्लेटफॉर्म पे अपलोड करो। उसका लिंक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो वीडियो रिज्यूमे, और जो जितने भी लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे डेफिनेटली वी विल इंडक्ट यू इन आवर टीम। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा, अभी हमने अभिषेक सर को जो है साइंस के लिए अपॉइंट किया है, तो ही इज टेकिंग द साइंस पीवाईक्यू सीरीज फॉर सीपीएफ एंड अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप भी हमारा हिस्सा बन सकते हो। ये डिटेल है, आप इनको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए उसके बाद लास्ट वीडियो के जो है फर्स्ट वीडियो के जो विनर है वो मैंने कमेंट भी पिन किया यहाँ पे, सूरज सुजल राजपुरोहित जी, इन्होंने सभी क्वेश्चन के जो आंसर सही दिए थे, तो ये आंसर जो है आपको जरूर जाके पढ़ने हैं। इनमें से भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन जो है बन सकता है। स्पेसिफिकली जितने भी हमने यहाँ पे चीजें क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और डेफिनेटली वहां से आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है मे भी आ सकता है वहां पे, तो इनको जाके आप जरूर देखिए। चलिए आज की बात करते हैं। 10 करंट अफेयर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके जरूर देखिए। आज हम 11th से शुरू करेंगे। तो 11th जो है आपका करंट अफेयर वो है UNCCD की जो COP15 हुई थी। ठीक है, ये हुई थी अबिजान कोट डे इवोरी, ये कंट्री है। ठीक है, इवोरी कोस्ट के नाम से भी आपको नाम इसका मिल जाएगा, ये वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर पड़ती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है UNCCD का जो है COP15 हुआ था। COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज की जो मीटिंग होती है उसको हम COP बोलते हैं। UNCCD के बारे में अगर आए तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इस पर्टिकुलर चीज को जो है आप पेपर 2 के जो है एसे वाला जो पार्ट आपका है उसके अंदर लिख सकते हैं, अगर कोई आपका एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कोई अगर एसे आपका आता है। ठीक है, कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए, मे बी एग्जाम में इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व कर सकते हो। UNCCD जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, और इसका सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है लिंकिंग टू एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ये आपको याद रखना है, डेजर्टिफिकेशन लैंड के रिगार्डिंग होता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद जो 197 पार्टीज है इस कन्वेंशन की, 196 कंट्रीज जो है पार्टीज है और यूरोपियन यूनियन भी है। ठीक है, तो इंडिया जो है एक सिग्नेटरी कंट्री है। मान लो ऑप्शन वाइज अगर आएगा आपका, इसमें स्टेटमेंट वाइज दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द UNCCD, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी कंट्री, तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है सिग्नेटरी है आपका UNCCD के अंदर। ठीक है, COP15 जो है हेल्ड कहाँ पे हुई थी? कोट दे आइवरी, आपको याद रखना है। अबिजान भी जो है एक सिटी है, वहां पे आपको पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, थीम क्या थी इसकी? लैंड लाइफ एंड लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। और ये जो COP जो समिट होती है बेसिकली बाइनली होती है, सिंस 2001 से जो है होती आ रही है। ठीक है, तो ये था आपका पहला। चलिए उसके बाद एनवायरमेंट के ही रिगार्डिंग एक दो और न्यूज में आपको बता देता हूँ। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट SOFOR 2022 वॉज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस FAO ड्यूरिंग द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। ठीक है, सिंपल आपका डायरेक्ट अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रिलीज करती है, तो आपको याद रखना है कौन सी करती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, बाय द एंड ऑफ 2022 इंडिया इज सेट टू रिसीव चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया एट कुनू नेशनल पार्क इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका 2 एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, इन फ्यूचर भी आएगा, न्यूज में था तो आ सकता है आपके CPF एग्जाम के अंदर भी, कि हम जो है चीता जो है कहाँ से इम्पोर्ट जो है कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? कुनू नेशनल पार्क में जो है कर रहे हैं।
क्वेश्चन जो लास्ट बार आया था वो ये आया था कि हम चीता इंपोर्ट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, तो कौन से नेशनल पार्क में इंडिया के अंदर आएंगे, तो कुनू नेशनल पार्क के अंदर आएंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक एनडीए के अंदर आपका ऑलरेडी आ चुका है, पंडित बिरजू महाराज का, जो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वो क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है सीपीएफ के अंदर, याद रखना है आपको, अगर बोलोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी मेंशन कर देंगे। बाकी आपके आपसे ही है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला है आज का। हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, सुजल राजपुरोहित जी, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके आपका प्राइज जो है ले सकते हो। व्हाट्सएप हमारा नंबर है 9050555858, आपका 100 रुपीज का प्राइज जो है आप वहां से जाके ले सकते हो। आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा और जो डिटेल आपके मांगी जाए वो आप भेज देना। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो का जो है पहला क्वेश्चन है वो ये है, पंडित बिरजू महाराज के बारे में आप जो जो जानते हो वो आपको सभी डिटेल जो उसमें मेंशन करने, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उनकी रिसर्च बचेगी और आपको भी जो है वो रिवीजन हो जाएगी आपके, अगर क्वेश्चन में आता है तो आप उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज के बारे में आप जो जो जानते हो, किस चीज के जो है प्रोपोनेंट थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन से घराना से बिलोंग करते थे, सभी चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो है ये इंडियन म्यूजिक कंपोजर है, संतूर के बहुत बड़े जाने माने प्रोपोनेंट है और तबला प्लेयर भी जो है रह चुके हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, बट इन्होंने गायकी जो है अपनी बनारस के आसपास जो वाराणसी वाले रीजन में की है, तो इनका घराना आपसे पूछा जा सकता है, तो बनारस घराना जो है उससे बिलोंग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच घराना, तो याद रखना है बनारस घराना, और पूछेंगे अगर किस चीज कौन से वाले उससे संबंधित है तो संतूर और तबला प्लेयर थे और इंडियन म्यूजिक कंपोजर भी थे। ठीक है, ओबिचुरी की बात ही हो रही है यहाँ पे, तो एक फेमस पर्सनालिटी का नाम भी यहाँ पे है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स हैज बीन किल्ड इन अ कार क्रैश, तो ये भी आप नाम याद रख सकते हो। पूछ लेंगे आपसे, चार प्लेयर के नाम दे देंगे, तो इनमें से कौन से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की रिसेंटली डेथ हुई थी, तो आपको याद रखना है एंड्रू साइमंड्स की जो है डेथ हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 13th एशियन रेसलर, 13th नहीं है, 13th न्यूज है, याद रखना है, एशियन रेसलर चैंपियनशिप 2022 अभी जो है रिसेंटली हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि कहाँ पे हुई है, तो उलान बातर के अंदर हुई है, याद रखना है उलान बातर जो है मंगोलिया की कैपिटल है। ठीक है, कौन सा एडिशन था, 35th एडिशन था, एडिशन जनरली नहीं पूछेगा यूपीएससी। ठीक है, मेडल पूछेगा इसमें जो है सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल पूरे कंट्री का आया है, वो जीता है रवि कुमार दहिया ने, और इन्होंने ओलंपिक के अंदर भी जो है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज की वीडियो का, टोक्यो ओलंपिक के अंदर रवि कुमार दहिया ने जो है कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड जीता था, सिल्वर जीता था या फिर ब्रॉन्ज जीता था, ये आपको बताना है वीडियो के सेक्शन में। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, कैटेगरी नहीं पूछेगा यूपीएससी, नाम पूछेगा रवि कुमार दहिया और गेम पूछेगा, गेम तो ऑलरेडी पता ही है, एशियन नेशन चैंपियनशिप है। ठीक है, या फिर इसका क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि रवि कुमार दहिया हु वॉन गोल्ड मेडल रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स या फिर चैंपियनशिप, तो पूछ लेंगे एशियन चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ है, इस तरीके से। ठीक है, कॉमनवेल्थ हालांकि शुरू नहीं हुआ अभी, बट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अभी रिसेंटली जो है थोड़े दिन पहले समर डीफ ओलंपिक्स जो है 2021 जो है आपके खत्म हुए हैं, तो उनसे भी आपका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कहाँ पे जो है ये किस प्लेस पे इनका वेन्यू क्या था, तो आपको याद रखना है कैक्सियस डो सुल ब्राजील के अंदर, सीधा इसमें नहीं कंफ्यूज करेंगे आपको, कैक्सियस डो सुल वगैरह में सीधा पूछेंगे, ब्राजील पूछ लेंगे, अर्जेंटीना, ये चार ऑप्शन दे देंगे, तो कंट्री का नाम आपको याद होना चाहिए, ब्राजील में है। मोटो क्या था, स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट्स, और मैस्कोट जो है ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, रिंग टेल्ड चाउटी या फिर नीनो। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, काफी सारे लोगों ने वैसे तो गोल्ड मेडल जीता, जनरली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट एक दो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जरूर याद रखना, पूछ सकते हैं। आपके सुमित दहिया जो है इंपॉर्टेंट नेम है, गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने आपका पैरालंपिक जो था उसके अंदर भी एक मेडल जीता था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है दीक्षा डागर ने जीता है, वुमेन्स गोल्फ के अंदर भी इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ पर, यहाँ का आपका। और आप जैसे टीम वगैरह में तो मिक्स टीम के नाम वगैरह नहीं दिए, तो ये आप याद रखना, और धनुष श्रीकांत, ये तीन नाम आप याद रख लेना, धनुष श्रीकांत, दीक्षा डागर और यहाँ पे सुमित दहिया, इनके एटलीस्ट अगर आप नाम याद रख सकते हो तो रख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटो के ऊपर या मैस्कोट के ऊपर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आज की इस वीडियो का आपके लिए है। हाँ, जितने भी लोग इन वीडियोज के जो है आंसर दे रहे हैं, मैं मेंशन करना भूल गया, आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनके आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, जस्ट एक कि हम विनर, हमें एक चूज करना है तो हम ज्यादा लोगों को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट जितने भी लोगों ने आंसर दिया आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके हार्डवर्क की। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो से हम नाम भी मेंशन करेंगे कि किस किस लोगों ने इनके सही आंसर दिए। ठीक है, अभी जो है रिसेंटली कोमलप्रीत कौर को जो सस्पेंड किया गया था, ठीक है, ये एक प्रोमिनेंट ओलंपियन है इंडिया की तरफ से, आपको बताना है कि कौन से गेम से बिलोंग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
किस गेम से बिलोंग करती है। और आप एक चीज और कर सकते हो, जब भी ये वीडियो आप देखो, एक कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है, उनके जो है क्वेश्चन लिखो पहले, तो उसके बाद आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर नहीं लिखा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले कोमलप्रीत कौर, वो रिसेंटली गॉट सस्पेंडेड, बिलोंग टू विच गेम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये है, किस गेम से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका थॉमस कुक 2022। इस स्लाइड से आप मान सकते हो कि 100% आपका क्वेश्चन एक आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा वो हम देखते हैं, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, यूपीएससी की एक स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है कि जो चीज ज्यादा न्यूज में रही हो ना, उसको जनरली ये लोग पूछते नहीं है, इसी का ध्यान रखना। और शायद इस बार ये साबित हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए, ताकि आप लोगों को हमारी इंपॉर्टेंस पता चल सके, जो हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जनरली अब जैसे सबको पता है थॉमस कप इंडिया ने बहुत सालों के बाद जीता है। ठीक है, बहुत ही सालों के बाद जीता है, तो क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि यार थॉमस कप पूछेंगे, बट मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि थॉमस कप डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे, विच टीम वॉन द थॉमस कप 2022। ऑब्वियसली पता है, अगर इतना ही आसान क्वेश्चन बना देगी यूपीएससी तो क्यों पूछेगा ना। क्या क्या पूछ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो यूपीएससी पूछ सकता है वो आपसे पूछेगा वेन्यू। ठीक है, कि थॉमस कप 2022 कहाँ पे हुआ था। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ था, याद रखना है। दूसरा पूछ सकते हैं थॉमस कप 2022 का ये कौन सा एडिशन था, 32nd एडिशन था, एडिशन के चांसेस बहुत कम है। वेन्यू पूछेगा और पूछेगा किसको इंडिया ने हराया। ठीक है, ये तो सबको पता है कि इंडिया ने जीता है, पूछ लेगा किसको इंडिया ने हराया, तो याद रखना है इंडोनेशिया को इंडिया ने हराया था। ठीक है, उसके बाद 2024 का पूछ लेगा कि कहाँ पे होने वाले, तो याद रखना है चेंगडू चाइना के अंदर होने वाले। ये जो चेंगडू वगैरह वाली जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये किसी भी मैगजीन में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैगजीन जनरली जो बनती है किसी भी इंस्टीट्यूट के, आप उठा के देख लो, वो पर्टिकुलरली जो है उसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग होती है। बट हम जो चीज डाल रहे हैं पूरी रिसर्च करके, हर एक चीज इन फ्यूचर में क्वेश्चन क्या आ सकता है सबके अनुसार हम डालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन या तो सीडीएस में आपका कंफर्म आएगा, अभी जो सीडीएस में आएगा, या फिर सीएपीए में, या फिर एनडीए में, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना चाहिए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, मैं आपको गारंटी देना चाहिए। अच्छा, जो टीम थी जीतने वाली उसमें कौन कौन से, लक्ष्य सेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, लक्ष्य सेन, कदम्बी श्रीनाथ, चिराग शेट्टी, और ये आपका सात्विक साईराज, रणकी रेड्डी, जो भी इनका नाम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बैंकॉक थाईलैंड, किसको हराया, इंडोनेशिया को हराया। अगला कहाँ पे होने वाला है, चेंगडू, 32nd एडिशन था, 4 पॉइंट। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप को, ये कप है थॉमस कप को, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है। ठीक है, थॉमस कप को सबसे ज्यादा बार जीता है इंडोनेशिया ने। ठीक है, कितनी बार जीता है याद रखना है, ये नहीं पूछेगा कितनी बार जीता है, बट आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, इंडोनेशिया ने 14 बार इसको जो है जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस स्लाइड से क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया, अच्छे से पढ़िए इनको, फैक्ट को आप नोट डाउन करके भी रख सकते हो। ये स्लाइड हम पांचों सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम पूरी स्लाइड डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओवर कप। ओवर कप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, अब देखो सभी लोगों ने हल्ले मचाए हैं कि थॉमस कप के ऊपर क्वेश्चन आएगा आएगा, नो डाउट थॉमस कप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना चाहिए, बट मुझे पर्टिकुलरली अंदर से ऐसा फील होता है कई बार कि यार वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो शायद यूपीएससी ही क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है ओवर कप के ऊपर पूछ ले। एक फैक्टर वहां पे रह गया, थॉमस कप जो है वो मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये भी आपसे पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट बिलोंग टू मेन टूर्नामेंट, तो आपको याद रखना है थॉमस, ऊबर, ये अलग अलग है। थॉमस जो है वो मेन के लिए है, ऊबर जो है वो वुमेन के लिए है। ठीक है ना, याद रखना है, ट्रिक है, क्या कैसे याद रख सकते हो, ऊबर जनरली ऊबर कौन बुक करता है, महिलाएं ज्यादा बुक करती है, तो आप याद रख सकते हो, मैं भी खुद ऊबर से ट्रेवल करता हूँ, बट फिर ठीक है कोई बात नहीं, बट ज्यादातर सेफ्टी इश्यूज की वजह से जो है महिलाएं जो है ज्यादा यूज करती है ऊबर ऑफिस से घर जाने के लिए, याद रख सकते। ठीक है, 29th एडिशन था ओवर कप का वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए, ये भी सेम आपका बैंकॉक में हुआ था, नेक्स्ट वाला चाइना में होगा, जीता किसने है, साउथ कोरिया ने, किसको हरा के, चाइना को। ठीक है, चाइना इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये इंपोर्टेंट है ओवर कप किसने जीता है वुमेन वाला, साउथ कोरिया ने जीता है, आ सकता है आपका। ठीक है, इस बार जो है हॉल ऑफ फेम में 2022 में जो है दो लोगों को जो है इंडक्ट किया गया, बैडमिंटन का हॉल ऑफ फेम है, जनरली आई डोंट थिंक सो कि कभी यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम पूछते हैं, बैडमिंटन का नहीं पूछा, बट मेरा दिल थोड़ा बोल रहा था तो उन्होंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिलियाना नसीब और जाओ युनली जो है दोनों को जो है हॉल ऑफ फेम में दिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, याद रख लेना एक इंडोनेशिया का एक चाइना का, आएगा नहीं क्वेश्चन, बट फिर भी क्या पता किस्मत कैसी हो आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका 15th न्यूज है, 12th आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नाम पूछा जा सकता है यहाँ पे किसने जीता है। ठीक है, तो आईबीए होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसके अंदर जो है इंडिया की एक महिला है निखत जरीन करके, इनको जो है गोल्ड मेडल इस बार इन्होंने जीता है इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्राउड की बात है इंडिया के लिए। ठीक है, किसके खिलाफ जीता है, थाईलैंड के जिटपोंग जुटामस जो है ये नाम है, इनको हरा के जो इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ, इनके अलावा जो है दो लोग और थे जो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और मेडल उनको मिला है, मनीषा मोन हरियाणा और
प्रवीण हुड्डा जो है हरियाणा, दोनों ही जो है हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और निखत जरीन से पहले ये जो है चार लोगों को और ये मेडल इस चैंपियनशिप में मिल चुका है। सबसे पहले है मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी, ये चारों जो है इनको गोल्ड मेडल इस चैंपियनशिप में के अंदर मिल चुका है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये पांचवी महिला ऐसी बनी है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निखत जरीन है रिसेंटली बोर्न आईबीएस वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, शी बिकेम विच प्लेस प्लेयर टू गेट दिस यू नो गोल्ड मेडल, तो ये फिफ्थ नंबर की बनी, ये भी याद रखना है। ये इनसे पहले चार बन चुके हैं, ये पांचवें नंबर की जो है विनर बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल कैनेडा, ठीक है। रिसेंटली जो है ब्रॉन्ज का मोन्यूमेंट जो है अनवील किया गया है सेरेमनी में, सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर है, ठीक है, कहाँ पे, ओंटारियो कनाडा के अंदर। तो पूछ सकते हैं कंट्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है, कौन कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया बोल देंगे आपका, ठीक है, उसके बाद आपका कनाडा बोल देंगे, यूएसए बोल देंगे, या फिर आपका इधर साउथ में मान लो ब्राजील बोल देंगे, ठीक है, चार ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कनाडा है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है आपके कैनेडियन डॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जोसे रामोस होर्टा, ठीक है। अब ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली ईस्ट तैमूर कंट्री के, ठीक है, आपको याद रखना है। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, बट कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग है बोल रही है कि ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। फॉर्मर इंडिपेंडेंस फाइटर एंड नोबेल पीस प्राइज लॉरेट जोस रामोसा होर्टा हैज बीन स्वॉर्न इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तैमूर, तैमूर लेस्ते जो है ये कंट्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका जो है यहाँ पे सुंडा आइलैंड वगैरह पड़ते हैं, इंडोनेशिया के नीचे है ये, और इस लोकेशन पे जो ये है, ठीक है। उसके बाद एशिया की ये यंगेस्ट कंट्री है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और कैपिटल है इनकी दिल्ली, DILI दिल्ली, और करेंसी इनकी यूएस डॉलर है। तो ये बने थे क्वेश्चन, कैसे यूपीएससी इसके ऊपर पूछेगा वो बता देता हूँ। क्वेश्चन इसमें आएगा जोसे या फिर जोस रामोस होर्टा, ठीक है, रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, चार ऑप्शन आपको अलग अलग दे देंगे, फंसा देंगे आपको, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सी स्पेस, सी स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। केरला विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू हैव एन स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सी स्पेस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए। ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है और ओटीटी में आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है, ठीक है, आपको पता चल गया होगा आपकी फेवरेट वेब सीरीज का जो है, जितने बच्चे हैं कम से कम इस क्वेश्चन का तो आंसर जरूर दीजिए, कौन सी वेब सीरीज आपकी फेमस है और फेवरेट है, और मैं आपसे रिकमेंडेशन चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसी कोई वेब सीरीज रिकमेंड करिए जो डिफेंस के ऊपर हो, मैं डेफिनेटली उसको देखना पसंद करूंगा, डिफेंस में यानी थ्रिलर हो या फिर डिफेंस मिलिट्री स्पाई आईबी इन सब के रिगार्डिंग हो तो मुझे बताइए जरूर। वैसे मैंने बहुत सारी सीरीज देखी हैं और अगर कोई नहीं देखी होगी तो मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा कि ये मैंने देखी है या नहीं देखी, ठीक है। चलिए इंडिया का फर्स्ट इथेनॉल प्लांट जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है वहां पे खुलने वाला है, एक आपका छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग भी इसकी न्यूज है, बट ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा है, गूगल पे आप चेक करोगे तो छत्तीसगढ़ भी दिया मिलेगा, बट ठीक है न्यूज में था तो मैं इसलिए डाल दिया यहाँ पे, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत ड्रोन महोत्सव 2022, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल है। क्वेश्चन आएगा आपका भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है या फिर कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, तो आपको याद रखना है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर ये हुआ है, ठीक है, भारत ड्रोन महोत्सव, ओपन एयर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है ये, ठीक है, किसान ड्रोन पायलट एज अ वेल एज विटनेस्ड ओपन एयर ड्रोन सिस्टम, ठीक है, ये आप देख लेना। तो आपसे पूछा जाएगा भारत ड्रोन महोत्सव जो है कहाँ पे हुआ है, ऑप्शन दे देंगे आपको भोपाल, ठीक है, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, इस तरीके से न्यू दिल्ली में हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका 18th करंट अफेयर, 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री, ये जो है कहाँ पे मिली है, राखी गढ़ी मिली है, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है रेड क्वेश्चन। विद एन एक्सप्लोरेशन ऑफ 5 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच हैज बीन वर्किंग इन राखी गढ़ी हरियाणा फॉर द पास्ट 32 ईयर्स हैज प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग येट, राखी गढ़ी इज अ विलेज इन हरियाणा सार डिस्ट्रिक्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल साइट, ये आपका मैप मैंने डाला रेफरेंस के लिए, ये जो अभी मैं स्टेट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाला, ये आपका है हरियाणा, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर राखी गढ़ी पड़ता है आपका, हांसी के पास है ये आपका, ठीक है। और दूसरी आसपास की कौन कौन सी है आपके साइट्स, कालीबंगन है हनुमानगढ़ के आसपास और धोलावीरा गुजरात में, लोथल अहमदाबाद में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इस उससे है कि राखी गढ़ी को जो है किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, राखी गढ़ी को जो है किसने डिस्कवर किया था ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका भाषिनी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय मेती ऑन मिशन डिजिटल इंडिया, भाषिनी द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेटर
ट्रांसलेशन मिशन, ऑल्दो ये बहुत आसान सा हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बट पूछ सकता है, यूपीएससी मिनिस्ट्री पूछ सकता है। ठीक है, आपको मैथी की फुल फॉर्म बतानी है, क्वेश्चन नंबर 6 था आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैथी। ठीक है, ये आपको बताना है। भाषिनी एम्स टू एनेबल ऑल इंडियन इजी एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन देयर ओन लैंग्वेज एंड इंक्रीज द कंटेंट इन द इंडियन लैंग्वेज। बेसिकली आप इस पे जाओगे, इस वेबसाइट पे आप ट्रांसलेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। चलिए, आज की लास्ट न्यूज है वो ये है, INS सूरत एंड उदयगिरी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है लॉस्ट टू मेड इन इंडिया वॉरशिप INS सूरत और उदयगिरी एट द मेजगांव डॉक्स इन मुंबई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, INS सूरत और उदयगिरी को जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो जगह का नाम आपको याद रखना है। पूछ लेंगे कोची, मुंबई, गोवा, इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे। तो मुंबई में किया गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट टू इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप हैज बीन लॉन्च टुगेदर, द मेजगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बोथ वॉरशिप हैव बीन डिजाइन इन हाउस बाय द डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन एंड बिल्ड एट MDL मुंबई। याद रखना है आपको उदयगिरी और सूरत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा इन दोनों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका INS गोमती वॉज डीकमीशन एट द नेवल डॉकयार्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली INS गोमती के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है आपका, CAPF, CDS, ND तीनों में से किसी भी एग्जाम में आएगा पक्का। ठीक है, थर्ड शिप है गोदावरी क्लास का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के अंदर आता है ये, और INS गोमती वॉज द ओल्डेस्ट वॉरियर ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट व्हेन डीकमीशन। ठीक है, ये आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं INS गोमती के बारे में। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने क्वेश्चन हमने पूछे हैं प्लीज उनका आंसर जरूर दीजिए, मैं सभी के जो है आंसर चेक करता हूँ प्रॉपरली, और आपको उसका वो भी मिल जाएगा, सबके आंसर भी मैं लाइक करता हूँ। ठीक है, पिन में सिर्फ उसका करूंगा जिसका बेस्ट आंसर होगा। और थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए, और मुझे जरूर फीडबैक देके बताइए कि आपको सीरीज ये कैसी लग रही है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आज का पूरा दिन, यू वॉन्ट बिलीव, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे लगे मुझे इन 10 क्वेश्चन को ढूंढने में, और ये वो क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको एग्जाम के बाद जब आप बाहर निकलोगे आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो जो चीजें हमने इस वीडियो में बताई सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको करनी है, और फेवरेट वेब सीरीज आप जरूर बताना आपकी कौन सी है जो डिफेंस के रिगार्डिंग हो, मैं देखना चाहूंगा, पसंद करूंगा, और लव यू। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।